हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट जे जो एनटीए नेट और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कर रहे हैं। आप जेआरएफ और नेट दोनों के लिए इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। परीक्षा जून 2014 का ये हल प्रश्न पत्र है, तो पेपर वन का है ये। पेपर वन सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसमें देखिए 60 क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक मिलेंगे। अभ्यर्थी को कोई 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये पहले होता था फ्रेंड्स, बट अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 आपको करना है, ठीक है। तो चूँकि ये सेट आपको पहले का करवा रहे हैं, ताकि पहले के सेट्स से बहुत सारा क्वेश्चंस जो होता है वो दोबारा आया हुआ रहता है, इसलिए मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन का सेट करवाऊंगी, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं उसको 2 पार्ट में करवाऊंगी। तो देखिए इसमें आपको जितना भी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, जिससे क्वेश्चन रहता है सभी का सेट है कंप्लीट। इसमें सभी क्वेश्चंस रहेंगे, एक साथ आप देख पाओगे सभी क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार किसी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटने से सेना की शक्ति छीन हो जाती है, ठीक है, उसी प्रकार यदि किसी हीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसके मूल्य में ह्रास हो जाएगा, उपयुक्त युक्ति को क्या कहा जाएगा। तो इसको देखिए फ्रेंड्स, सादृश्यता यानी एनालॉजिकल बोलेंगे, ठीक है। इस तरह का अगर एग्जांपल दिया जाए तो ये एनालॉजिकल में आएगा। देखिए नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण दिए गए हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसे विलक्षणता को दर्शाता है जो आप अपने में आगमनात्मक यानी इंडक्टिव ना हो। तो बोलता है जो ना हो इंडक्टिव उसको दर्शाता हो। तो फ्रेंड्स पहला है आधारिका से निष्कर्ष के निकलने का दावा किया जाता है। निष्कर्ष कारणात्मक संबंध पर आधारित होता है, निष्कर्ष अंत आधारित से निकलता है, या निष्कर्ष प्रेक्षण और योग आधारित होता है। फ्रेंड्स तो निष्कर्ष जो है ये अंत आधारिका से निकलता है, ठीक है। यानी देखिए बोल रहा है कुछ नीचे कुछ तार्किक युक्ति के लक्षण हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो ऐसी विलक्षणता को दर्शाता हो जो अपने में आगमनात्मक ना हो। तो जैसे ये वाला बोल रहा है निष्कर्ष अंततः आधारिका से निकलता है, तो ये आगमनात्मक नहीं होगा। और जब आधारिका यानी परमिसेस से निष्कर्ष के निकलने का दावा किया जाएगा, या निष्कर्ष कारणात्मक संबंध पर आधारित होगा, या निष्कर्ष प्रेक्षण एवं प्रयोग पर आधारित होता है, तब वो आगमनात्मक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि 2 प्रस्तावों जिनका कर्ता और कर्म शब्द एक से हैं, तो उन दोनों को सही माना जा सकता है, परंतु ये दोनों गलत नहीं हो सकते। इन दोनों प्रस्तावों के बीच संबंध को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स इस ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? उपविरोधी कहते हैं। उपविरोधी में क्या होगा? 2 प्रस्ताव जिसका कर्ता और कर्म शब्द एक होगा, तो उन दोनों का सही माना जा सकता है, परंतु ये दोनों गलत नहीं हो सकता, ठीक है, उपविरोधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 4 नंबर। एक आदमी 50 से 99 तक के सभी आंकड़ों को लिखता है, मगर ऐसा करते हुए वो 2 और 7 को छोड़ जाता है, उसकी गिनती में कितने आंकड़े हैं? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके फ्रेंड्स। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 हो जाएगा, आंसर होगा 32। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे एक रेखा चित्र दिया जा रहा है जिसमें 3 वृत्त है ए बी सी जो परस्पर संबंध है। वृत्त ए भारतीय, वृत्त ए जो है वो बोलता है भारतीयों के किसी वर्ग का प्रतिनिधि है, और बी वृत्त जो है वो वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व है। देखिए ए जो है वो भारतीयों का है, बी जो है वो क्या बोला, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है, और सी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसलिए जो है राजनीति का करता है उस कूट का। अब बोल रहा है कि प्रतिनिधित्व करता है, तो पी क्यू आर एस विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं, उस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दर्शाता हो जिसमें भारतीय वैज्ञानिक जो राजनीतिक ना हो। तो देखिए इसमें राजनीति अगर इसमें रहेगा तो क्या होगा, राजनीतिक होगा। इस ढांचा में रहेगा तो राजनीतिक होगा। इसके बाहर देखिए क्या है,
इसके बाहर एस है ना, और एस जो है वो दोनों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एस हो जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दो आधार वाक्य लिखे गए हैं और इनसे निकले चार निष्कर्ष भी दिए गए हैं, ठीक। उस कूट का चयन कीजिए जो आधार वाक्यों अलग और संयुक्त रूप से यह दर्शाए कि ये निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार वाक्यों से ही प्राप्त हुए हैं। आधार वाक्य है हम लोग का, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, ठीक है, और कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अब ये आपका आधार वाक्य है, और निष्कर्ष देखते हैं क्या है। तो देखिए निष्कर्ष है कोई बिल्ली स्तनधारी नहीं, कोई बिल्लियां स्तनधारी है। तो पहले देखिए सभी, इसको हम लोग इस तरह से देखेंगे बना के, सभी कुत्ते स्तनधारी है तो ऐसे कर लिए, और ये डॉग हो गया तो सभी कुत्ते क्या है, स्तनधारी है, और ये हो गया स्तनधारी है। और कोई बिल्ली कुत्ता नहीं, तो बिल्ली का एक यहाँ बन सकता है कि कोई बिल्ली जो है यहाँ पे है लेकिन वो क्या है, कुत्ता नहीं है। आप एक इस तरह बना सकते हैं। दूसरा बन जाएगा कि ये कुत्ता है और ये स्तनधारी है, और इसमें ही बिल्ली है, बिल्ली जो है वो स्तनधारी है, ये हो गया, ये डॉग है। अब देखिए इससे आपको क्या निकल लगेगा, कोई बिल्ली बोल रहा है स्तनधारी नहीं है, ठीक है, तो ये तो इस दोनों पिक्चर में सटीक नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ स्तनधारी है, ठीक है, अब बोल रहा है कुछ बिल्ली स्तनधारी है तो इसमें दिख रहा है कि स्तनधारी है। उसके बाद है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कोई कुत्ता बोल रहा है बिल्ली नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे कोई कुत्ता जो है यहाँ पे है तो वो बिल्ली अलग है नहीं है, और यहाँ पे भी अलग है नहीं है, तो ये तीन नंबर हम लोग को सही लग रहा है ना, तीन का सही लग रहा है। कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी नहीं, कोई भी कुत्ता गैर स्तनधारी तो नहीं है क्योंकि वो स्तनधारी के अंदर है, तो ये भी हम लोग को क्या लग रहा है, कुट सही लग रहा है। तो इसका देखिए तीन और चार क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें जो है डाटा इंटरप्रटेशन से क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, तो डाटा इंटरप्रटेशन से रहता है। तो जैसे देखिए डाटा इंटरप्रटेशन में क्या है, आपको निम्नलिखित तालिका को ध्यान से पढ़िए। स्रोत के अनुसार किसी देश की शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, ये वर्ष है, सरकारी नहर है, निजी नहर, तालाब, नलकूप, अन्य स्रोत और कुल, ठीक है, ये 1000 हेक्टेयर में है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है, इसी से डाटा से रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2002 से 2003 और 4 के दौरान किस सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप देखिए किस में की गई है, तो यहाँ देखिए ये सरकारी नहर है 2002 से 2003 के बीच, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2002 से 2003 है ना, से 2003 से फिर 2004, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीन और चार के आंकड़ा को निकालना पड़ेगा कि सिंचाई के स्रोत, सिंचाई का स्रोत तो यहाँ सब कुछ है। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ देखिए 2003 में जो सरकारी नहर में कितना है, 1 4, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 3 8 6, देखिए 1 4 4 4, ठीक है, सब्सट्रैक्ट 1 3 8 6 3, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 581, ठीक। प्रतिशत वृद्धि तो आप जानते कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि इतना इंटू 100 बाई ये जो अब था 1 3 8 6 3, ठीक है। अगर अब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिवाइड करके आप देख लेना फ्रेंड्स, 4.19% आएगा, क्या आएगा, 4.19। तो अब देखिए इस तरह जो है तो कितना प्रतिशत वृद्धि, तो ये सरकारी नहर हो जाएगा इसका, है ना, 7 का फ्रेंड्स डी हो जाएगा, अन्य स्रोत
तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह जैसे मैंने इसका निकाला, पहले सरकारी का निकाला, ठीक है, फिर आप इस तरह से तालाब का जो है, देखिए यहाँ पे तालाब का 2002 से 2003 में ज़्यादा है, तो तालाब और इसका इससे सब्सट्रैक्ट करके और परसेंटेज निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और उस सब में हम देखेंगे कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या निकलेगा आपका, फोर वाला तो बता दिए ना, 4.19 निकलेगा बी का, नलकूप द्वारा आपका देखिए निकाल के 4.46% आएगा। और जो अन्य स्रोत है, अन्य स्रोत यहाँ पे आप देख रहे हैं, अन्य स्रोत में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, 17.06% हो रहा है। तो ये जो जीरो हो रहा है ये सबसे ज़्यादा है अन्य में, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अन्य स्रोत हो जाएगा, ठीक है। निकालने का इसको पहला वाला जैसे बताएं सेम वैसे ही होगा फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप देख के ही बता पाओगे कि किस में हो रहा है ना। तो इसमें देखिए देख रहे हैं हम, किस वर्ष तालाब द्वारा शुद्ध सिंचाई में सर्वाधिक वृद्धि हुई, तो तालाब द्वारा बोला, तालाब द्वारा देखिए किस वर्ष आपको ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ 19 से देखिए, यहाँ पे 2000 है, उसके बाद वाला 2700 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें 2005 से 2006 में देखिए सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, आप देख रहे हो, तो इसका हो जाएगा 2005 से 2006। अब देखते हैं नेक्स्ट, तालिका में दिए गए वर्षों में समंकों को देखकर बताइए कि सिंचाई के किस स्रोत द्वारा सर्वाधिक बार शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, यानी ऋणात्मक वृद्धि किस में दर्ज की गई है वो आपको यहाँ पे देख के बताना है। तो देखिए यहाँ पे 17,000 है, तो उसके बाद फिर 17,000 से कम हो गया, तो सर्वाधिक बार इसमें देखिए फिर यहाँ ज़्यादा है, फिर घट गया। तो सबसे ज़्यादा सरकारी नहर जो है, आप आंकड़ा को देख के पता लगा सकते हैं इसमें बिना कुछ निकाले हुए, कि इसमें ज़्यादा जो है वो ऋणात्मक हो रहा है, यानी घट जा रहा है, ठीक है। बाकी में तो देखिए बढ़ रहा है ना। तो इसका हो जाएगा सरकारी नहर, आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी नहर। कुछ क्वेश्चन है कि इसमें आप मुंह से ही निकाल सकते हो बिना कुछ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में नलकूप तथा अन्य कुओं का हिस्सा सर्वाधिक था? तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा 10 का बोल रहा है, किस वर्ष शुद्ध सिंचित क्षेत्र में नलकूप का और अन्य कुल का हिस्सा सर्वाधिक था? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2002 से 2003 में जो है वो सर्वाधिक था नल द्वारा। नेक्स्ट बोल रहा है 1997 से 98 से और 2005 और 6 की अवधि में सिंचाई निम्नलिखित में से किस स्रोत के अंतर्गत शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो इसका भी सेम सरकारी नहर के लिए जो है कमी निकालेंगे, ठीक है। आप इसको जो है देखिए डाटा देख के निकाल करोगे सरकारी नहर का, देखिए यहाँ पे डाटा से देख के निकालेंगे हम। पहले 1717 देखिए है ना, इतना सब्सट्रैक्ट 15268, ठीक है, बाई आपको जो आएगा कितना इस सबस्ट्रैक्ट माइनस करके, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 1849 100 बाई 17117, ठीक है। तो इसको काटने के बाद प्रतिशत, ये प्रतिशत कमी है, काटने के बाद आपको 10.8 आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कमी हम निकाल के देख लेंगे। तो निजी नहर के लिए 1.89 निकलेगा और तालाब के लिए 21.55 निकलेगा। तो इसमें अपने आप आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स इसका तब क्या हो जाएगा। 11 का आपका देखिए, तालाब द्वारा ज़्यादा निकला तो तालाब द्वारा सी हो जाएगा कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का
या की छाया बिंदु रेखन जिसको इमेज या ग्राफिक फाइल फॉर्मेट बोलते हैं नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो इसमें हो जाएगा GUI जो है ये नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए PNG, GIF और BMP, ये क्या है? फाइल जो है, फाइल या छाया बिंदु रेखन है, लेकिन GUI जो है वो नहीं है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया, देखिए प्रथम वेब ब्राउज़र है, प्रथम ब्रेव ब्राउज़र जो है वो क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेट स्केप या वर्ल्ड वाइड वेब या फायरफॉक्स, तो क्या होगा इसका? सी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब जो है। देखिए इसका आंसर वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ये प्रथम वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र पहली बार सन 1990 में, फ्रेंड कितना, 1990 में अस्तित्व में आया था, और सन 1991 में टीम वर्नर ली ने, कौन इसका नाम देखिए, टीम वर्नर, वर्नर ली, ठीक है, टीम वर्नर ली ने WWW नामक ब्राउज़र बनाया था। क्या बनाया था? WWW नामक ब्राउज़र बनाया था किसने? टीम वर्नर ली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? तो वो किसके द्वारा? आर रोम के द्वारा किया जा रहा होता है जब बूटिंग कर रहा होता है, तो इसका हो जाएगा रोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के तीन के समान नहीं है? तो देखिए बाकी के तीन के समान, तो MAC एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, IP एड्रेस। तो IP एड्रेस जो है बाकी से अलग है, ठीक है। निम्नलिखित में से IP एड्रेस की पहचान कीजिए। अब उसी से पूछ दिया, आप कैसे पहचान करोगे IP एड्रेस का? तो देखिए इसमें क्या है ना, सब में जैसे यहाँ 202.50.20 और 148 है, तो ये जो है ना IP एड्रेस इस प्रकार का होगा, ना कि बीच में हाइफ़ेन ऐट द रेट वाला होगा, ठीक है, और ना कि ये फिर अंत में कम होगा, ऐसा नहीं होगा। सब देखिए सबसे ज़्यादा बीच में कम रहेगा और फिर ज़्यादा, तो ये इस तरह का IP एड्रेस रहेगा। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको बना दे, सपोज दैट 300.50.20.148, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स। FTP इस संक्षिप्त रूप से क्या भाव है? तो FTP का क्या होगा? फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं? फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। तो ये जो है ना संचिका स्थानांतरण प्रोटोकॉल, एक इसको संचिका स्थानांतरण प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा इंटरनेट आधारित TCP या IP नेटवर्क पर संचिका का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में नगरों में कौन सा जो नगर है हाल ही के समय में नगरीय कोहरे से सर्वाधिक प्रभावित था? पेरिस, लंदन, लॉस एंजल्स, बीजिंग। तो फ्रेंड्स बीजिंग हो जाएगा। ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? नगरीय क्षेत्रों से प्रवाह, कृषि फॉर्मों से प्रवाह, मलजल का बहिस्त्राव यानी स्वेज इफ्लुएंस या औद्योगिक जल बहिस्त्राव। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा मलजल का बहिस्त्राव जो है ये आपका प्राथमिक स्रोत है। किसका? ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का, जो जलाशय में प्रदूषण होता है उसका हो क्या होगा? मलजल का बहिस्त्राव होगा। लहर एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स? लहर में भारी मात्रा में सामग्री का उद्वेदन होता है, ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा 21। भारत की जनसंख्या लगभग 1.2 बिलियन है। मान लीजिए कि भारत में बिजली की औसत खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 300 मेगा जूल है, और यदि इस खपत को कार्बन आधारित ईंधनों से पूरा किया जाए और कार्बन उत्सर्जन की दर 15×10^6 किलोग्राम प्रति किलो जूल हो, तो भारत में प्रति वर्ष कुल कार्बन उत्सर्जन कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स प्रति वर्ष जो हो जाएगा 540 मिलियन टन
हो जाएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किसके अधीन जो है ये कार्य करता है? तो गृह मामले, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के गृह मामले के अंदर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यहाँ सूची दिया हुआ है, देखिए, बाढ़, सूखा और ज्वालामुखी, पर्याप्त अवधि में वर्षा ना होना, ठीक है। तो देखिए, बहुत पर्याप्त क्या हो जाएगा, बी सूखा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे धरती की चट्टानों में उठती लहरों के मार्ग में हलचल पैदा करना, तो ये भूचाल का काम है। वायु ऊर्जा में सर्वाधिक मात्रा में, नहीं यहाँ से ऑप्शन इधर है फ्रेंड्स, एक छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ निकले, ज्वालामुखी और अतिवर्षा जल का आगमन, तो ये बाढ़ हो जाएगा फ्रेंड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होता है, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा वायुमंडल में लघुतम समय तक ठहर पाती है? तो कौन लघुतम समय तक ठहर पाती है फ्रेंड्स? तो देखिए, मीथेन जो है ना, ये लघुतम समय तक जो है ना ठहर पाती है। इसमें ऑप्शन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इन तीनों के कॉम्पेयर में मीथेन ज़्यादा देर तक वायुमंडल में ठहर पाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी देशों में यह सहमति है कि औद्योगिक समय कि औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए। तो इसका जो है ना 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा इसका सेशन। इसके आगे और भी आपको टीचिंग एंड रिसर्च ये सबसे क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में जो है मैं 25 के बाद करवाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कम से कम एक फ्रेंड को शेयर करो जो आगे शेयर करे, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है ना फ्रेंड्स। थैंक यू।